नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। रशिया लगातार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है, जहां अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की भी वापसी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय लोगों को यूक्रेन से वापस लाने का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड के एक एक नागरिक को सकुशल वापस लाएंगे। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। सीएम धामी की माने तो इस संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वस्त किया गया है कि भारतीय छात्रों व नागरिकों को सकुशल वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और खारकीव शहरों में राजधानी देहरादून के कई छात्र फंसे हैं। लगातार खराब होते हालात के कारण इन छात्रों के अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच वहां मौजूद भारत के लोगों के लिए एम्बेसी ऑफ इंडिया ने नई एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां हैं वहीं रहें। लोगों को अपने घरों हॉस्टल में रुकने को कहा गया है। साथ ही जो भी लोग यूक्रेन की राजधानी कीव या वेस्टर्न कीव की तरफ गए हैं, उन्हें वापस अपने घरों की तरफ लौटने के लिए बोला गया है। अगर आपका भी कोई चित परिचित यूक्रेन में फंसा है तो आप हमें फ्लैश में चल रही मेल आईडी पर उसकी खबर भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।